किसान भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जर्मन कंपनी के एक बायो प्रोडक्ट फिल्टर के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, फिल्टर के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये फिल्टर जो प्रोडक्ट है ये जर्मन कंपनी का, ये क्या काम करता है आपकी फसलों के अंदर, कौन सी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी इसकी मात्रा लेनी है और कितने रुपए की आपको ये पड़ती है। तो ये तमाम तरह की जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए किसान भाई वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली घंटी को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। किसान भाइयों नमस्कार, मैं आपका दोस्त राम मेहर और स्वागत करता हूं आपका नई वीडियो में। किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं जर्मन कंपनी के एक बायो प्रोडक्ट फिल्टर के बारे में। पहले मैं आपको ये बता दूं किसान भाइयों, ये एक इंसेक्टिसाइड है। जी हाँ किसान भाइयों, बायो इंसेक्टिसाइड है जिसका इस्तेमाल आप अपनी धान की फसल के अंदर स्टेम बोरर को रोकने के लिए कर सकते हैं। स्टेम बोरर मतलब कि पत्ता लपेटक जो कीट आता है हमारी धान की फसल में शुरुआती अवस्था में, तो उसकी रोकथाम के लिए आप लोग फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो के अंदर पीछे बताया था कि आप लोग जो इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, हर बार एक ही इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते टाइम जो हमारी कीटों की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए क्या है कि किसान भाई, जैसे कि बायो प्रोडक्ट के बारे में आपको बता रहा हूं, तो जैसे कि आप लोग कई सालों तक वो इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं पेस्टिसाइड, तो उसको छोड़ के एक बार कोई बायो के रूप में भी आपको जैसे कि फिल्टर जैसा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की जरूरत है ताकि कीटों की प्रतिरोधक क्षमता एक टेक्निकल के प्रति ना बढ़ सके। तो काफी अच्छे इसके परिणाम देखने को मिले हैं फिल्टर प्रोडक्ट के। किसान भाई, आपको बता दें कि आप लोग फिल्टर का इस्तेमाल अपनी धान की जब 18 से 25 दिनों की हो जाती है तो उस टाइम पे आप लोग फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेते या किसी फर्टिलाइजर यानी कि यूरिया के साथ में मिला के इस्तेमाल इसका कर सकते हैं अपनी धान की फसल के अंदर। किसान भाइयों डोज की बात करें तो इसका जो डोज रहती है किसान भाइयों धान की फसल के अंदर 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना अपनी धान की फसल के अंदर। तो किसान भाइयों रेट की बात आती है, जैसे कि 4 किलोग्राम की इसकी पैकिंग होती है, प्रति एकड़ के हिसाब से खर्चे की बात करूँ तो 4 किलोग्राम की जो पैकिंग होती है इसकी होती है लगभग 600 या 630 रुपये आपको मार्केट के अंदर मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, आप लोग इस्तेमाल करके देख सकते हैं अपनी धान की फसल के अंदर पत्ता लपेटक जो स्टेम बोरर होता है उसकी रोकथाम के लिए। तो ये थी जानकारी किसान भाइयों फिल्टर प्रोडक्ट के बारे में। मेरे ख्याल से जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, फिर भी अगर आपका कोई सुझाव या कोई सवाल हो तो कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और अपने किसानों में जानकारी को कर दीजिएगा शेयर। तो मिलेंगे जल्दी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।